वह 89 वर्ष की जर्जर अवस्था में अहमदनगर के किले में जीवन से निराश होकर अर्धचेतन स्थिति में पड़ा हुआ था। उसके 3 बेटे उससे दूर कैद थे। उसके पास केवल 40 वर्षीय पुत्री बेगम जीनत बैठी थी। आज वह रोगग्रस्त अपनी सैया पर पड़ा अपने काले कारनामों पर चिंतन करके पश्चाताप की आग में जल रहा है। एक ओर दक्षिण की लड़ाइयों में रिक्त कोष की चिंता सता रही है, तो दूसरी ओर सेना की निर्बलता, मराठों की अपराजय शक्ति, प्रशासन की गड़बड़ी, राज दरबारियों की आपसी संघर्ष उसे बेचैन कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज सूर्या टॉक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसी थी औरंगजेब की आखिरी रात, और जानने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात कैसे व्यतीत की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। औरंगजेब जिंदगी के कई पहलुओं में एक आदर्श इंसान था। सादगी पसंद औरंगजेब लेखनी और तलवार दोनों में दक्ष था। उसके समकालीन उसे शाही चोला पहना हुआ दरवेश कहते थे। दुर्भाग्यवश उसका स्वभाव बहुत अविश्वासी था। अपने पिता शाहजहां को कैद में डालना हो या अपने सगे भाइयों का वध करना हो, लेकिन अपने पुत्रों पर भी उसका विश्वास नहीं था। औरंगजेब ने हमेशा अपने बेटों की गतिविधियों को शंका की दृष्टि से देखा, हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखी। पर यह सत्य है कि हिंदुओं पर अत्याचार करने के कारण होने वाला अपराध बोध उसे मृत्यु के समय भी कचोट रहा था। 3 मार्च 1707 की वो रात जो औरंगजेब की आखिरी रात रही, वह स्वयं अपनी आप बीती अपनी पुत्री को सुना रहा था, किंतु इस स्वर में निराशा, वेदना, पीड़ा और असहायता थी। अहमदनगर के किले में मृत्यु सैया पर बादशाह का शरीर रोग से जर्जर हो उठा था। खांसी और बुखार से बेचैन बादशाह की सेवा करने के लिए उसकी 40 वर्षीय पुत्री जीनत के समक्ष उसकी मुख मुद्रा मलिन और पश्चाताप से पूर्ण थी। उसकी खांसी से वो अनुभव कर रही थी कि मुगल साम्राज्य की जड़ें चरमरा रही है। अपने जीवन में उसने जो कुकर्म किए उसे याद कर वह भयभीत होता है और कांपता है। वह स्वीकार करता है कि अविश्वास, अन्याय, हिंसा, छल ही उसके अस्त्र रहे हैं। आज जीवन भर के कुकर्म उसे सर्प दंत की तरह चुभ रहे हैं और वह परेशान होते जा रहा है। वह अपने कुकर्मों को भूल नहीं पा रहा है, फलतः दोहरा कर जीवित रहना चाहता है। जीवन के कुकर्मों से वह अत्यंत भयभीत हो गया है। आज वह अपने पिता को याद करता है जिसे मृत्यु के अंतिम क्षणों तक उसने मुक्त नहीं किया था। आज हकीम की दी गई दवा तक नहीं पीना चाहता है। वह अपनी पुत्री जीनत पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहा है। वह अपने आप को पूर्ण अपराधी के रूप में देखता है और अंत में असंख्य पापों के पश्चाताप के साथ संसार से विदा ले लेता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मृत्यु के समय आपने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म, पूरी जिंदगी एक पल में आंखों के सामने दौड़ जाती है। शायद औरंगजेब के साथ भी यही हुआ था। आप औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।